सहारनपुर थाना मिर्ज़ापुर क्षेत्र के गांव रायपुर में 2 दिन पहले 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों की ज़बरदस्त भिड़ंत होने से उनकी चपेट में आने से 1 बच्चे सहित 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल भिजवाया गया था, जिनमें से 1 12 वर्षीय बच्चे को सहारनपुर के एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा था, जहाँ उसकी हालत ज़्यादा बिगड़ने के कारण उसकी देर रात दर्दनाक मौत हो गई, जिसकी दर्दनाक मौत होने की खबर लगते ही मृतक के परिवार व गांव में कोहराम मच गया। इसके साथ ही बच्चे की दर्दनाक मौत होने की सूचना मिलते ही मृतक के परिवार को आश्वस्त करने पहुंचे राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के जिलाध्यक्ष राव केसर सलीम ने पीड़ित परिवार की हर संभव मदद कराने का आश्वासन दिया कि हादसे का शिकार हुए 12 वर्षीय की दर्दनाक मौत की खबर सुनकर हर किसी की आंख से आंसू छलक पड़े। उन्ना काटा और है ए ए डिलीवर देखो कहाँ वो जा रहे ए कुदा डिलीवर एक ए भी खड़ा कर देंगे। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।